उनसे मिलने गए थे और मैंने जब उनको देखा था तो मैं सिर्फ रोई थी। और मुझे आज भी ऐसे लगता था कि जो मैं सुन रही हूँ सारा कुछ, बट खान खड़ा है, सिस्टम हार गया है, खान वैसे ही खड़ा है और सिस्टम उससे हार गया। ज़्यादा डट के खड़ा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका, मैं कह रही हूँ ना कि अगर आपको ये फीलिंग आ रही हो कि आप प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठे हुए हैं, मतलब मुझे मुझे वही लग रहा था, वही मीटिंग का दौर दोबारा आ गया कि हम मीडिया की मीटिंग में बैठे हैं, कोर कमेटी की मीटिंग में बैठे हैं या मिनिस्ट्रियल मीटिंग में बैठे हैं। खान साहब उतने ही कॉन्फिडेंट हैं, खान साहब को अपनी कोई फिक्र नहीं है। इतने जुल्म के बाद भी खान साहब मैन ऑफ नर्व्स, हार गए भाई, खत्म हो गया, आज किस्सा ही खत्म सिस्टम है। हार जेल में उनका रहना बहुत तकलीफ दे है, वो जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे है। लेकिन बात एक ही है, वो आज भी अपने बारे में नहीं सोच रहे, वो आज भी जेल में रहकर भी वो कौम के बारे में सोच रहे हैं, वो पाकिस्तान को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। और वो सिर्फ दिन रात यही वो करें कि अच्छा मुल्क में ये गड़बड़ हो रही है, मैं इसको ठीक कैसे कर सकता हूँ। ये पते, ये बहुत बड़ा आई ओपनर है मुक्तदरा के लिए, क्या जो मुल्क पर मुसल्लत है उनके लिए, क्या कि आप यहाँ पर प्लान कर रहे हैं उस शख्स को तोड़ने का, आप यहाँ पर उसके बच्चों से उसकी मुलाकात नहीं होने देते, गर्मी में उसको रखा हुआ है, हर दुनिया की सहूलत से आपने उसको महरूम कर दिया, लेकिन उसे अपनी टेंशन ही नहीं है, उसे अपनी फिक्र ही नहीं है, उसे कोई, वो कहता है मैं बस कर सकता हूँ तो मैं पाकिस्तानी कौम के लिए करूँ। अवाम का फैसला मानना पड़ेगा, अब खून से मानना है या खामोश इनकलाब से मानना है, ये फैसला ऊपर वालों ने करना है। अल्लाह ने ना खान साहब को किसी बहुत बड़ी चीज़ के लिए चूज़ किया है, और आप देखिएगा कितना बड़ा काम उनसे लेना है, ये जितने हरबे मर्जी कर लें। अपनी वालदा को भी याद कर रहे थे वो, और मैंने अच्छा ये देखा है, मतलब मैं यही तो बता रही हूँ कि लोग बड़े हैरान होंगे कि इतनी जनरल बातें, तो मैंने ऐसे ही ये नहीं कहा कि इट्स लाइक दैट कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ कर हमें कह रहे थे ये करना मैं है ये फील ही नहीं हुआ कि ये करना, ये जेल करना है। है एग्जैक्टली, कि मतलब मुझे ये लगता था कि तब, और हम खान साहब को हमें पहले भी सुनना बहुत अच्छा लगता था, बट आज कुछ डिफरेंट था। और मतलब 16 महीने, क्या मार्च में मैं लास्ट टाइम कोर कमेटी की मीटिंग में मिली थी, तो आज तो जाहिर है ऐसे ही था कि सिर्फ हम खान साहब को सुनना चाहते थे। 16 माह 4 दिन जेल रहने के बाद आज मोहतरमा आलिया हमज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। नया पाकिस्तान से इनका पॉडकास्ट तो डिफरेंट आएगा। आज इनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है। मुलाकात के हवाले से बात करते हैं, 16 माह के बाद इमरान खान को देखना कैसा लगा, इमरान खान से क्या बातें हुई, इमरान खान ने किस तरह सराहा इनको। आइए करते हैं गुफ्तगू का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 16 माह तो आपने जेल में गुजार लिए, लेकिन आज अपने लीडर से मिलने के बाद खुशी आपके चेहरे से पता चल रही है। कैसी मुलाकात हुई आज, पहली नज़र देखा इमरान खान को 16 माह के बाद, क्या तासुरात थे? क्योंकि जेल में इंसान सोचता है कि पता नहीं मेरा लीडर किस तरह है, इमरान खान किस हाल में होंगे, कमज़ोर ना हो गए हों, इंसान को बहुत सी सोचें आती हैं। सो आपने जब आज देखा, आज मुलाकात का अहवाल बताएं। हसनैन, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, मेरे पे जितना जुल्म सितम हुआ था, मेरा घर टूटा था, मेरी बेटियों के साथ पहला जो वो सारी वीडियो थी वो आपने बनाई थी, आई एम सो ग्रेटफुल। एग्जैक्टली अगर आप वो काम ना करते तो शायद उससे किसी को ना पता चलता कि इतना जुल्म हमारे साथ हो चुका है। दूसरा, मेरे लिए तो आज ईद का दिन था, 3 ईदें मैंने जेल में गुजारी तो ईद का दिन तो आज ही था, और हमारे लिए आपको पता ही है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सबसे आगे हैं, और मतलब मुझे ये लगता था कि शायद, मुझे नहीं पता मैं कैसे रिएक्ट करूँगी जब मैं उनको इतने अरसे के बाद देखूँगी, इट्स 1 ईयर एंड 6 मंथ्स के जिसके बाद मैं उनसे मिली थी। मार्च में हमारी कोर कमेटी की आखिरी मीटिंग हुई थी, और आज उनसे मिलना वो, मतलब मैं तो बहुत ही एक्साइटेड थी, और खान साहब भी ऑफ कोर्स होंगे, मतलब उनकी एक कारकुन है और वो जो खड़ी हुई है, बट जो मैंने आज फील किया, और मुझे यही लगता था कि पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूंगी खान साहब पे, इतनी सख्तियां हैं। मुझे पहले ये बता दें कि जब आपको ये पता चला, क्योंकि अभी बहुत से पार्टी के लोग हैं जो अभी तक इमरान खान से मुलाकात नहीं कर सके जेल में, जब आपको पता चला कि आपने सुबह जाना है मुलाकात के लिए, तो तब क्या फीलिंग्स थी,
क्योंकि हमेशा वो कहते हैं ना कि इंतज़ार, ठीक है, जो मज़ा तलब में है वो हासिल में कहाँ, तो इंतज़ार बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ये देखें, मैं सिंपल आपको बता दूं कि मुझे बस हम होता था ना खान साहब के साथ मीटिंग्स होती थी, तो हम बहुत वेल प्रिपेयर्ड होते थे, अच्छा ये बात करेंगे वो बात करेंगे। मैं आज फैसला ही नहीं कर पा रही थी कि मैं खान साहब को क्या कहूँगी और मैं क्या बताऊँगी उनको। बट फॉर पाकिस्तानी पीपल या आप सब के लिए जो आज की मीटिंग थी ना, वो मुझे तो बिल्कुल ऐसे लगा कि हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हुए हैं और खान साहब हमें बस समझा रहे हैं कि अच्छा इन चीज़ों को तुम लोगों ने ऐसे करना है, ऐसे नहीं किया अब ऐसे करना है। मुझे बिल्कुल ये एहसास ही नहीं हुआ, मतलब पहले मुझे लग रहा था कि खान साहब इतनी तकलीफ़ के बाद जब मिलेंगे कोई बात ऐसी होगी शायद, मतलब क्योंकि जब खान साहब को गोलियां लगी थी और हम शौकत खानम उनसे मिलने गए थे और मैंने जब उनको देखा था तो मैं सिर्फ रोई थी। और मुझे आज भी ऐसे लगता था कि जो मैं सुन रही हूँ सारा कुछ, बट खान खड़ा है, सिस्टम हार गया है, खान वैसे ही खड़ा है और उससे ज़्यादा डट के खड़ा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका, मैं कह रही हूँ ना कि अगर आपको ये फीलिंग आ रही हो कि आप प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठे हुए हैं, मतलब मुझे मुझे वही लग रहा था, वही मीटिंग का दौर दोबारा आ गया कि हम मीडिया की मीटिंग में बैठे हैं या कोर कमेटी की मीटिंग में बैठे हैं या मिनिस्ट्रियल मीटिंग में बैठे हैं। खान साहब उतने ही कॉन्फिडेंट हैं, खान साहब को अपनी कोई फिक्र नहीं है, इतने जुल्म के बाद भी खान साहब मैन ऑफ नर्व्स, हार गए भाई, खत्म हो गया आज किस्सा ही खत्म, सिस्टम हार गया, सिस्टम हार खान गया, जीत गया। खान जीत के, खान साहब पते क्या कह रहे थे ये आज अपनी नजरों से देख के, मैं अपनी नजरों से देख कर आई हूँ। और खान साहब ये नहीं कहते थे मेरे पे क्या हुआ, खान साहब कहते थे, खान साहब ने ऊपर देखा यूं हाथ के और खान साहब ने कहा बहुत शुक्रिया है उन लोगों का जिन्होंने मुझे जेल में डाला और मैंने इस 1.5 साल में इतनी किताबें पढ़ ली हैं, इतनी किताबें पढ़ ली हैं, अब मैं हुकूमत चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और इनके पास किसी मसले का कोई हल नहीं है, हम आएंगे हम मुल्क को ठीक करेंगे। सो दैट इज़ हिज कमिटमेंट। अच्छा आलिया सिस्टर, आप ये बताएं कि 16 माह बाद आपकी इमरान खान से मुलाकात हुई, इमरान खान ने आपसे पूछा जेल के मुतल्लिक कि कैसी आपने जेल गुजारी, क्या कहते थे, यानी कोई बात हुई आपके मुतल्लिक? खान साहब ने ना जेल के बारे में पूछा, खान साहब को हर चीज़ का एक ही पता था और खान साहब का सिर्फ इतना कहना था कि जब कमर मशानी का केस हुआ तो मैं इतना हंसा कि कमर मशानी में तो औरतें निकलती ही नहीं है, इतने इतने टोपी वाले भुरके पहने होते हैं, तो तुम लोगों ने कैसे जलाओ घेराव कर दिया। तो मैंने उनको बताया हमने एक थाने में एक जगह नहीं, हमने 2 जगह आग लगाई थी और 2 मुकदमे हम पे, एक एक साइड जलाने का, एक साइड जलाने का, मतलब इट वॉज अ वेरी कैजुअल मीटिंग। और मैं यही बता रही हूँ कि खान साहब का सिर्फ एक ही बात कहने थी और उनका ये कहना ये था कि जब जब इतनी मायूसी हो, जब इतना सारा कुछ हो, जब एक बंदा खड़ा होता है तो वो एक बंदा सबके लिए इंस्पिरेशन होता है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बता दें कि आपने इमरान खान को देखा, क्या महसूस किया इमरान खान को देख के, आपका लीडर है, आप 16 माह खुद भी जेल में गुजार के आई हैं, इमरान खान को भी 1 साल से ज़ायद हो गया, तो जेल में देख के आपने इमरान खान को क्या महसूस किया, इमोशनल हो गई या खुशी हुई, आपकी क्या फीलिंग्स थी? देखिए जेल में उनका रहना बहुत तकलीफ़ दे है, वो जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दे है, लेकिन बात एक ही है, वो आज भी अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो आज भी जेल में रहकर भी वो कौम के बारे में सोच रहे हैं, वो पाकिस्तान को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं और वो सिर्फ दिन रात यही वो कर रहे हैं कि अच्छा मुल्क में ये गड़बड़ हो रही है, मैं इसको ठीक कैसे कर सकता हूँ। ये पते, ये बहुत बड़ा आई ओपनर है मुक्तदरा के लिए, क्या जो मुल्क पर मुसल्लत हैं उनके लिए, क्या कि आप यहाँ पर प्लान कर रहे हैं उस शख्स को तोड़ने का, आप यहाँ पर उसके बच्चों से उसकी मुलाकात नहीं होने देते, गर्मी में उसको रखा हुआ है, हर दुनिया की सहूलत से आपने उसको महरूम कर दिया, लेकिन उसे अपनी टेंशन ही नहीं है, उसे अपनी फिक्र ही नहीं है, उसे कोई, वो कहता है मैं बस कर सकता हूँ तो मैं पाकिस्तानी कौम के लिए करूँ, मेरे पाकिस्तानी, मेरा पाकिस्तान, बस ऐसे शख्स को कोई नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
बहुत उनको इज़्ज़त दी है और कोई उसको हरा नहीं सकता जब तक मेरा खुदा ना चाहे। और यही बात जब मैंने उनसे की तो हंस रहे थे, मैंने आखिर में 5 मिनट जब मांगे तो हंसने लगे, कहते हैं सब सुना जा रहा है। मैंने कहा ठीक है सर, क्या फ़र्क पड़ता है। तब हमने कुछ बात किया और उनका कहना सिर्फ इतना था कि हमें अपने मुल्क के लिए करना है। हम कंसर्न थे उनके लिए और वो कंसर्न थे मुल्क। इसके अलावा क्या बात है, इमरान खान ने आपको क्या कहा, कौम के लिए क्या पैगाम दिया? कौम के लिए बाकी डॉक्टर यास्मीन राशिद भी जेल में, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज, सीमा एजाज चौधरी, बहुत से लोग। मैं हसनैन आपको बता रही हूँ, खान साहब को हर चीज़ का पता है। जिन लोगों को ये लगता है कि खान साहब को कुछ नहीं पता, खान साहब को हर बंदे के बारे में हर बात का पता है। और जलसे के बारे में उनका था, जलसा ज़रूर होएगा और हमने करना है। उससे पहले आपकी और मेरी मुलाकात भी हुई अलीमा आपा से, उन्होंने भी उनका पैगाम पहुंचाया और यही पैगाम है उनका। और उनको यही लग रहा है, बाकी वो केपी के बारे में बहुत ज़्यादा वरिड थे और उसी के सिलसिले में वो, मतलब वो सिंपल ये कहते थे कि उन लोगों ने हम पर एतमाद किया और हमें उनके एतमाद पर पूरा उतरना है। बाकी उनकी हर बात में, यही आपको बता रही हूँ ना कि मुझे कभी ये फीलिंग नहीं आई कि अच्छा मैं जेल गुजार कर आई हूँ या खान साहब जेल में बैठे हैं। इट्स लाइक के वज़ीर आज़म हाउस में बैठ कर हम मीटिंग कर रहे हैं और खान साहब हमें कह रहे हैं अच्छा ये करना है, ये करना है, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं ये पढ़ रहा हूँ, अब इतनी बुक्स मैंने पढ़ ली, अब मैंने इस चीज़ को स्टडी कर लिया। वही उन्होंने बताया कि मैंने 4 दफ़ा कुरान पाक की तफसीर पढ़ ली है। अच्छा, और मैं खुद खुदा के कितना करीब हो गया। और वो यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि दो तरह की तकलीफ होती है, एक जो आपके गुनाहों की होती है यानी कैद, और दूसरी जो अल्लाह आपको आजमाने के लिए करता है। तो उनका यही ख्याल है कि हम और पॉलिश हुए इन सारी चीज़ों से, ये जो सख्तियाँ आई हैं ये और पॉलिश कर रहे हैं। वो मैं पता है, देखें ये शायद मेरे पास अल्फाज ही ना हो इस बात को बयान करने में कि हम कहते थे ना ही हैज नर्व्स ऑफ स्टील, ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड। और उसने बताया है कि मुल्क का वज़ीर आज़म बनने का अगर कोई लायक है तो वो शख्स है जिसे अवाम की परवाह है। यही तो मैं कंपैरिजन करना चाहती हूँ, बाहर वालों की फ़िक्रें देखें और अंदर बैठे हुए की फ़िक्र देखें। बाहर वालों की फ़िक्रें देखें, जलसे कैसे रोकने हैं, खाना खान का कैसे रोकना है, उसको अजियत कैसे देनी है, बिल्स कौन कौन से लाने हैं, अंदर वाले की क्या है। प्लस एक और उनके वर्ड्स में मैं कह देती हूँ कि उन्होंने हमें अपने केस के बारे में बताया और उनका कहना सिंपल ये था कि ये जो डफर केस बनाते हैं इनको इतना भी नहीं पता कि ये कितने लूप होल्स छोड़े हुए हैं, क्योंकि वो सारे सियासी केस हैं। अगर कोई ओरिजिनलिटी ही नहीं होगी, कोई उनका सब्सटेंस ही नहीं होगा, उसके बावजूद आप अदालतें मैनेज कर लें, जज मैनेज कर लें, लेकिन केस में भी तो कोई सब्सटेंस होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं कि आपने एक प्रोग्राम में भी कहा वज़ीर आज़म इमरान खान, अभी स्टार्टिंग में भी आपने कहा वज़ीर आज़म इमरान खान, और मुलाकात ऐसे जैसे वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान, और बहुत जल्दी आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि देखें अवाम अपना फ़ैसला कर चुकी है और अवाम का फ़ैसला मानना पड़ेगा। अब खून से मानना है या खामोश इनकलाब से मानना है, ये फ़ैसला ऊपर वालों ने करना है। अल्लाह ने ना खान साहब को किसी बहुत बड़ी चीज़ के लिए चूज़ किया है और आप देखिएगा कितना बड़ा काम उनसे लेना है। ये जितने हरबे मर्जी कर लें, अपनी वालदा को भी याद कर रहे थे वो, और मैंने ये देखा है। मतलब मैं यही तो बता रही हूँ कि लोग बड़े हैरान होंगे कि इतनी जनरल बातें, तो मैंने ऐसे ही ये नहीं कहा कि इट्स लाइक दैट कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ कर हमें कह रहे थे ये करना है, फील ही नहीं हुआ कि ये करना है। एग्जैक्टली कि मतलब मुझे ये लगता था कि तब, और हम खान साहब को हमें पहले भी सुनना बहुत अच्छा लगता था, बट आज कुछ डिफरेंट था। और मतलब 16 महीने क्या मार्च में मैं लास्ट टाइम कोर कमेटी की मीटिंग में मिली थी, तो आज तो जाहिर है ऐसे ही था कि सिर्फ हम खान साहब को सुनना चाहते थे। ठीक है, अभी क्या फीलिंग्स है? बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, मतलब देखें, लेकिन तकलीफ बहुत है, सही बताऊँ हसनैन, तकलीफ बहुत है। वो शख्स हमारी वजह से जेल में बहुत ज्यादा जेल रहने के काबिल ना था, नहीं
वो शख्स जेल के लिए, इस जेल के लिए तकलीफ़ नहीं के था। काबिल ना था, लेकिन वो सह गया इस आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए, वो कर गया सब कुछ इस मुल्क के लिए। बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादती कर रहे हैं उस शख्स के साथ। आपको भी हमेशा मैंने मुस्कुराते देखे, लेकिन अभी आप इमोशनल होने लग गए जब हान की तकलीफ़ की बात आई। देखिए मैं सिंपल इतना बता दूं कि इस मुल्क को दूसरा इमरान खान नहीं मिल सकता, और कदर करें उस शख्स की। अल्लाह ने इस मुल्क को ना नवाजना था तो उन्हें खान दिया है। बहुत मुश्किल से वो लीडर हमें मिलता है। मैंने बहुत अरसा पहले ये मुझसे कुछ लोगों ने तब कहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वक्त के साथ प्रूफ किए। किसी ने कभी मुझसे पूछा था, कहीं डिबेट हो रही थी तो मुझसे पूछा था कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस सारी चीज़ के बारे में। तो मैंने कहा था हम जैसे लोग ना सियासत में, हमारी सियासतें सीन से शुरू नहीं होती, हमारी सियासतें एन से शुरू होती हैं, एन से शुरू एन पे ख़त्म होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी इज्जत रख ली माशाल्लाह। लेकिन मैं आज आपको बता दूं और पाकिस्तानी कौम को बता दूं, वो लीडर हमारे लिए जेल भुगत रहे, हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए जेल भुगत रहे। बहुत ज़्यादती उसके साथ हो रही है, आम कैदियों से भी बुरा सलूक उसके साथ हो रहा है, उसकी बीवी के साथ सलूक हो रहे हैं इतना बुरा, उसकी बहनें जिस तरह उसके साथ खड़ी हैं और उन पर जिस तरह की बातें हो रही हैं, पार्टी को लड़वाने की कोशिश की जा रही है, पार्टी में इख्तलाफात को, हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कारकुनों को गलत तरफ डी ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन ये जानता है कि हम सिर्फ इमरान खान के साथ खड़े हैं और उसकी रिहाई के लिए कोशिशें हैं। वन पॉइंट एजेंडा है मेरी ज़ात का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, 25 करोड़ अवाम का, और वो खान साहब की रिहाई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मुकम्मल बातचीत फिर होगी इंशाल्लाह, पॉडकास्ट भी आएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।